नमस्कार, मैं लक्ष्मी लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम विकास के विभिन्न पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुँच सके जन जन तक। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम हिमाचल विकास डायरी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने नेरवा में 175 करोड़ रुपए लागत की 30 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। नेरवा में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, और आने वाले समय में हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का बहुमूल्य योगदान आपका रहा है, उसके लिए अपील भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि वो भी हमको अवसर आने वाले समय में हमेशा, जैसे आदमी आपके क्षेत्र में आया तो हमारा विधानसभा क्षेत्र, जो क्षेत्र मुझे अपने क्षेत्र की तरह लगता है, दिखता है, जहाँ की संस्कृति, बोली, भाषा, पहनावा, ये सारी हमारे पहाड़ की एक जैसी, जैसे मैं अपने क्षेत्र में देखता हूँ उसी तरह के आप लोगों के इस क्षेत्र में जो है एक नहीं अनेक ऐसे सुंदर स्थान जहाँ आने वाले समय में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। आप इस आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए एक साथ 30 योजना का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, जिसमें 175 करोड़ रुपए आपके क्षेत्र के लिए विकास। गत दिनों जिला मंडी के करसोग विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने लगभग 90 करोड़ रुपए की 33 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के तहत करसोग में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कुल मिलाकर के 33 योजनाएं 90 करोड़ की लागत से आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए समर्पित किए, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई। करसोग का इलाका, ये विधानसभा क्षेत्र, ये मेरा अपना क्षेत्र है, मेरा पड़ोस का क्षेत्र है, जहाँ आना जाना, मिलना जुलना, बैठना उठना, आज का नहीं हमारा सवाल विधानसभा क्षेत्र का वर्षों का आपके साथ रहा था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उत्साह और जोश के साथ पूरा हिमाचल के लोग जो है कार्यक्रमों में आ रहे हैं, कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, और इसलिए क्योंकि कोरोना के बावजूद भी कहने के लिए हम 5 वर्ष कह रहे हैं, लेकिन 5 वर्षों में सही मायने में काम करने का मौका सिर्फ 3 वर्ष मिला, लेकिन फिर भी हर क्षेत्र में काम हुआ, हर क्षेत्र के साथ हर समाज के लिए काम हुआ, हर वर्ग के लिए। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास के दौरान विभिन्न पंचायतों में जनसभाओं को संबोधित किया। आने वाले समय में लंबे समय तक जो है वो सराज विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के इतिहास में रहेगा, जहां से आपको हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और ये अवसर सबको प्राप्त नहीं होता। आपके विधायक को हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व करने का अवसर दिया गया, ये जिम्मेवारी आई है और जिम्मेवारी हमको मिली है, तो अब की बार इस जिम्मेवारी का हमको इस प्रकार से अपना फर्ज अदा करना है कि अगर जिम्मेवारी दी है तो हम इस जिम्मेवारी निभाने में भी सक्षम है। हमने इस जिम्मेवारी को निभाया भी है और इस जिम्मेवारी का हमको एहसास भी है, तो सराज विधानसभा क्षेत्र की बढ़त उसके अनुरूप होनी चाहिए। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिला के नालागढ़ में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने नालागढ़ क्षेत्र के लिए लगभग 83 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने कहा, 80 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आपके विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हो रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों का आभार करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूँ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरे हुए और 75 वर्ष के इस कालखंड में हिमाचल ने बहुत तरक्की की है, हर क्षेत्र में हिमाचल आगे बढ़ा है, कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी हिमाचल अगर जहाँ पहुंचा है 75 वर्ष की इस यात्रा के बाद, तो हिमाचल के मेहनतकश लोगों का ये हिस्सा बनता है, उनका अधिकार बनता है, क्योंकि मेहनत जमीनी स्तर पर उन लोगों ने की है, इसलिए उनका धन्यवाद करने के लिए हम आज नालागढ़ में आए।
गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने यहां क्षेत्र के लिए लगभग 17 करोड़ रुपए की 11 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए और कोटली में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 16.5 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर और इसके अलावा लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा का जो है हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वो भवन बनकर के तैयार होगा। जैसे 75 वर्ष हमारे हिमाचल प्रदेश के गठन के हो गए, तो उसका अभिप्राय ये नहीं कि हम जहां पहुंचे हैं अब यहां से आगे जाने की आवश्यकता नहीं, हमें और आगे जाना है। इसलिए आह्वान करने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूँ कि आने वाले समय में भी हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आपका सक्रिय सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। इसके लिए मैं आप सबके बीच में निवेदन करने के लिए आपके बीच में, जब हिमाचल प्रदेश बना तो हिमाचल प्रदेश में 228 किलोमीटर सड़क थी और आज मेरे हिमाचल प्रदेश में 39,000 किलोमीटर सड़क है। आज अगर हिमाचल प्रदेश में 39,000 किलोमीटर सड़क सारी कुल मिलाकर के बनी है, उसमें 20,000 किलोमीटर सड़क जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बनी है, जो अटल जी ने उस वक्त 60,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरुआत की। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। नए अंक के साथ अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।